दोस्तों जब बात होती है स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े घोटाले की तो पहला नाम आता है हर्षद मेहता स्कैम का। और मैक्सिमम लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम सीरीज को देखा भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा ही घोटाला अभी कुछ सालों पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हो चुका है और बहुत सारे लोग इसे जानते भी नहीं है। दोस्तों NSE के इस घोटाले ने देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को चौंका दिया है और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि वे शेयर मार्केट में पैसे लगाएं या नहीं। असल में बात यह है कि 2015 से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ भी हो रहा था उसे कोई योगी बाबा कंट्रोल कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में योगी कहां से आ गया, तो आपको बता दें कि उस समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की CEO चित्रा रामाकृष्णा किसी योगी के आदेश पर NSE के सारे डिसीजंस लिया करती थी और उसी वक्त ऐसे ऐसे घोटाले हुए जिनका आज भी पता नहीं लगाया जा सका है। तो आखिर कौन था वो योगी और इस घोटाले में हुआ क्या था, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों NSE स्कैम के बारे में बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि NSE और BSE है क्या और ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, जहां BSE इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे सन 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से शुरू किया गया था। दोस्तों 1992 के हर्षद मेहता स्कैम ने स्टॉक एक्सचेंज की सभी खामियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। ऐसे में गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक स्टॉक एक्सचेंज को बनाने का काम IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दिया और सेम ईयर 1992 में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE वजूद में आया, जो इंडिया का ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम पर काम करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज था और कुछ ही सालों में इसने पेपर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब दोस्तों अगर हमें NSE स्कैम को पूरी तरह से समझना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि NSE पैसा कैसे कमाता है। दोस्तों NSE के रेवेन्यू जनरेट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कि अगर कोई कंपनी फंड रेज करने के लिए NSE पर अपने स्टॉक को लिस्ट करती है तो इसके लिए उसे NSE को लिस्टिंग फी और प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है, जिससे NSE का 3% रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद NSE के अर्निंग का दूसरा मेथड है बुक बिल्डिंग फी, जहां कंपनीज को ये गाइड करते हैं कि उन्हें अपने फंडिंग के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस क्या रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों NSE ट्रेड्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनसे ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है, जो उसके टोटल रेवेन्यू का 74% पार्ट है। इन सब के अलावा NSE के कमाई के कुछ और भी सोर्सेस हैं, जैसे मेंबरशिप फी, ऑपरेटिंग चार्जेस और डिफॉल्टर पेनाल्टी। साथ ही ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज इंट्राडे और हिस्टोरिकल मार्केट डेटा को NSE से परचेज करती हैं, जहां इन सभी चीजों को मिलाकर NSE का करीब 17% रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इस सब के बाद एक और तरीका है जिसे बोलते हैं कोलोकेशन चार्जेस, और दोस्तों यही वो पॉइंट है जहां ये पूरे स्कैम का मामला सामने आया। अब वो कैसे, हम आगे वीडियो में समझते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कोलोकेशन क्या होता है। असल में कोलोकेशन एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके जरिए ब्रोकर्स अपने सर्वर को NSE के बिल्डिंग में ही रख सकते हैं, यानी आसान वर्ड्स में कहें तो ब्रोकर के सर्वर का लोकेशन NSE के सर्वर से नजदीक होने से उन्हें शेयर मार्केट में तेजी से अपडेट मिलता है, जिसे कोलोकेशन कहा जाता है। और इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है। दोस्तों देखा जाए तो NSE को इसलिए बनाया गया था कि जो स्कैम BSE के साथ हुआ वो दोबारा ना हो सके, लेकिन कुछ ही समय में NSE खुद भी उसी बीमारी का शिकार हो गया। हुआ ये कि 2015 में सेबी को केन फोंग के नाम से एक लेटर मिला। अब लेटर में लिखा क्या था, उससे पहले हम जानते हैं कि सेबी है क्या। दोस्तों सेबी एक तरह की स्टैचुटरी बॉडी है जो हर्षद मेहता स्कैम के बाद शेयर मार्केट पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई थी। BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज सेबी के अंडर में काम करती हैं। अब सेबी को मिले इस लेटर में बताया गया था कि NSE के अंदर कोलोकेशन की आड़ में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। इस लेटर के मिलते ही सेबी तुरंत हरकत में आया और इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए 2010 से 2015 के बीच इस स्कैम का खुलासा हुआ। दोस्तों इस घोटाले में कुछ ब्रोकर्स ने सिस्टम एल्गोरिथम में छेड़छाड़ करके हजारों करोड़ों का मुनाफा कमाया था। इन ब्रोकर्स में OPG सिक्योरिटीज नाम का एक ऐसा ब्रोकर है जिसे इस कोलोकेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिला था, क्योंकि उसने NSE के बैकअप सर्वर्स तक पहुंच बना ली थी। दोस्तों यूजुअली ब्रोकर्स को दो तरह के सर्वर्स दिए जाते थे, जिसमें पहला था मेन सर्वर और दूसरा था बैकअप सर्वर। जब मेन सर्वर में टेक्निकल इशू आता था तब स्टॉक एक्सचेंज बैकअप सर्वर का यूज करती थी, ताकि बिना किसी रुकावट से ट्रेडिंग ऑपरेशन चलता रहे। अब दोस्तों नॉर्मली बैकअप सर्वर पर ट्रैफिक नहीं होता था, क्योंकि ये सिर्फ बैकअप के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन वही मेन सर्वर पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था। ऐसे में अगर कोई बैकअप सर्वर से लॉगिन करता है तो वो बाकी लोगों के मुकाबले डेटा को तेजी से एक्सेस कर सकता है।
अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में 2 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, अगर ये जानकारी किसी को मिल जाए तो सोचो कि इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है। जांच के मुताबिक ओपीजी को इससे सिर्फ 2 साल के अंदर 700% से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। साथ ही कुछ ब्रोकर्स ने इस स्कैम से 50,000 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट अर्न किया था। दोस्तों केंग फोंग अपने लेटर की एक कॉपी सुचेता दलाल को भी भेजी हुई थी, जो इंडिया की एक जानी मानी बिजनेस जर्नलिस्ट है, और उन्होंने ही 1992 में हर्षद मेहता स्कैम का पहली बार अपनी मैगजीन मनी लाइफ में खुलासा किया था। दोस्तों सुचेता दलाल ने इस लेटर को पब्लिश कर दिया, लेकिन एनएससी ने सुचेता दलाल और उनके हस्बैंड देवाशीष बासु पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। हालांकि बाद में एनएससी ने ये केस वापस ले लिया और उसे सुचेता दलाल को फाइन भी देना पड़ा। अब दोस्तों इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करते करते सेबी चित्रा रामाकृष्णा तक पहुंचती है, जो स्कैम के दौरान एनएससी की सीईओ थी। दोस्तों जब सेबी ने उनसे पूछताछ की तो एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने आई कि इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ अपने सारे फैसले किसी बाबा से पूछकर कर रही थी और उन्हीं के दिशा पर वो सही डिसीजन ले पाती थी। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो ये बात सामने आया कि चित्रा रामाकृष्णा स्टॉक एक्सचेंज के कई इंटरनल सीक्रेट्स रिग्यजुर समा ईमेल आईडी पर शेयर करती थी, और जब सेबी ने चित्रा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ईमेल आईडी उन्हीं योगी बाबा की है जो उन्हें पिछले 20 सालों से सही राह दिखाते आ रहे हैं। लेकिन जब सेबी ने उनसे पूछा कि हम उनसे कहां मिल सकते हैं तो उनका जवाब था कि ये कोई नहीं जानता कि वो कब कहां होते हैं। फिर जब सेबी ने पूछा कि वो तो एक बाबा है जो हिमालय में बैठे हैं, तो उनके पास ईमेल आईडी कहां से आया। इस पर चित्रा का कहना था कि बाबा के पास स्पिरिचुअल पावर है जिसकी हेल्प से वो ईमेल को एक्सेस कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ के मुंह से ऐसी बातें सुनना वाकई बहुत हैरान कर देने वाला था। इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कई सालों तक चलता रहा और इसी दौरान इससे जुड़े और भी कई रहस्यों से पर्दा उठता गया। उन्हीं में से एक था आनंद सुब्रमण्यम नाम के एक शख्स को हायर करना। दोस्तों सुब्रमण्यम चेन्नई में आईसीआईसीआई ग्रुप के एक ज्वाइंट वेंचर में काम करते थे, जहां उनका सालाना पैकेज 15 लाख रुपए था। लेकिन 1 अप्रैल 2013 को एनएससी के अंदर उनको एमडी और सीईओ के चीफ स्ट्रेटजिक एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया, जिसके लिए उन्हें 1.38 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज दिया गया। इस तरह दोस्तों आनंद सुब्रमण्यम को एक ही झटके में उनकी पिछली सैलरी से करीब 1000% का हाइक मिल गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस इंसान पर एनएससी इतना मेहरबान क्यों था। दोस्तों जब सेबी ने इस पर जांच शुरू किया तो पता चला कि उस योगी के कहने पर चित्रा ने आनंद सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया था। इवन स्टॉक एक्सचेंज के एचआर डिपार्टमेंट से भी इसकी राय तक नहीं ली गई थी। दोस्तों इस अपॉइंटमेंट के लिए कोई एड या नोटिस भी नहीं जारी हुआ था और न ही इस पद के लिए कोई और नाम सामने आए थे। इनका चित्रा से इंटरव्यू हुआ और ज्वाइनिंग हो गई। और दोस्तों इस इंटरव्यू की कोई भी जानकारी सुब्रमण्यम के फाइल में है ही नहीं। एक और हैरानी की बात ये थी कि सुब्रमण्यम को जब चित्रा का सीएससी अपॉइंट किया गया था तो उन्हें कैपिटल मार्केट का कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। लेकिन योगी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सुब्रमण्यम का तनख्वाह डिसाइड किया गया था। दोस्तों साल 2017 में सुब्रमण्यम को 4.21 करोड़ रुपए का सैलरी मिल रहा था, और ये एनएससी के दूसरे ऑफिसर्स के कंपेयर में कई गुना ज्यादा सैलरी था। इसके अलावा जहां सारे एम्प्लॉइज हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे थे, वहीं आनंद सुब्रमण्यम की ड्यूटी सिर्फ 3 दिन थी। और दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो योगी सिर्फ चित्रा रामाकृष्णा को ही नहीं बल्कि सुब्रमण्यम को भी ईमेल किया करते थे। साथ ही उन्हें एनएससी के हर एक एम्प्लॉय के बारे में पता होता था और किसको कब प्रमोशन देना है इसकी भी सलाह वही दिया करते थे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि चित्रा को मेल भेजने वाला वो योगी आखिर था कौन। दोस्तों इसे जानने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग को ये काम सौंप दिया गया, जहां इस जांच में पता चला कि चित्रा रामाकृष्णा को बाबा बनकर मेल भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम था। लेकिन काफी सारे लोग इस फॉरेंसिक ऑडिट से सहमत नहीं थे, क्योंकि आनंद सुब्रमण्यम ऑलरेडी एनएससी में एक बहुत बड़ी और पावरफुल पोजीशन पर था। ऐसे में जिन इन्फॉर्मेशन को चित्रा स्पिरिचुअल गुरु से शेयर करती थी उसके बारे में सुब्रमण्यम को पहले से ही पता होता था, और जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस उनके पास पहले से मौजूद हो उसको वो एक बाबा बनकर चित्रा से क्यों मांगते। इसके अलावा दोस्तों सेबी को योगी का एक ईमेल मिला था जिससे ये बात सामने आई कि दिल्ली की वसंत विहार में उनका एक ऑफिस था और वहां उन्होंने चित्रा रामाकृष्णा से मिलने के लिए कहा हुआ था। अब दोस्तों चित्रा के अकॉर्डिंग तो बाबा हिमालय पर रहते हैं, तो फिर वो कौन है जो उन्हें वसंत विहार में बुला रहा था। दोस्तों इन सारी चीजों के सामने आने से ये बात तो तय थी कि ये कोई योगी नहीं था। अब ये योगी कोई पॉलिटिशियन था या कोई बिजनेसमैन, ये अभी भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन एनएससी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने और कई गलत फैसले लेने की वजह से सेबी ने चित्रा रामाकृष्णा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, और उन्हें सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी इंटरमीडियरी बॉडी में शामिल होने से 3 साल के लिए रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा दोस्तों सेबी ने एनएससी को ये आदेश दिया है कि वे रामाकृष्णा को बची हुई छुट्टियों के लिए किए गए पेमेंट की 1.5 करोड़ रुपए की राशि वापस ले लें और इसी के साथ उनको मिलने वाला 2.83 करोड़ रुपए का बोनस पेमेंट भी रोक दिया गया है। दोस्तों आनंद सुब्रमण्यम पर भी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी इंटरमीडिएट बॉडी में शामिल होने से 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। बाकी दोस्तों इसी तरह अगर आप हर्षद मेहता स्कैम को जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।